फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित एंड आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज का ये वीडियो कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, ना कि कोई रिव्यू है। आज का ये वीडियो एक रोड ट्रिप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं गुजरात के कुछ पैलेसेस। ट्रिप का फर्स्ट डेस्टिनेशन था सारंगपुर। सूरत से 360 किलोमीटर है, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकल चुके थे। सारंगपुर के रास्ते में पहले कुंडलधाम आता है, तो चलिए देखते हैं कुंडलधाम। Thank you.
फिर हम निकल पड़े सारंगपुर की ओर। सारंगपुर टेम्पल के पास ही है नारायण कुंड, तो हम पहले वहाँ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद था, तो अभी हम वो नहीं दिखा पाए, लेकिन एक बार आप जरूर जाइएगा। नारायण कुंड तो हम नहीं देख पाए, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही बढ़िया था और ये ग्रीनरी जो आप देख रहे हो। सो फ्रेंड्स, एक बार आप जरूर विजिट कीजिए। सारंगपुर टेम्पल के एंट्रेंस में ही पहले आता है काफ़ी बड़ा पार्किंग, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये है स्वामीनारायण अतिथि आवास। फ्रेंड्स, सारंगपुर टेम्पल के दर्शन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सारंगपुर टेम्पल दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रहता है। Yeah.